यहाँ कृष्ण आके दुनिया को संदेश दिए, गीता के माध्यम से लीला दिखा गए, आज दुनिया जिनकी पूजा स्मरण करती है उनका स्वरूप रहेगा कि नहीं रहेगा, आज प्रश्न यह है। जमुना तो एक निमित्त मात्र है, जमुना के पीछे हिंदुस्तान के सारे तीर्थ स्थल खड़े हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं। धन्य तुम्हें कैसे हिंदू हो, कैसे धर्माचार्य हो, कैसे साधक हो, कैसे ज्ञानी हो, कि आज एक एक करके हिंदुस्तान की सारी हमारी संस्कृति और सभ्यता, नदियां जिनको माँ कहते थे नष्ट हो गई, मलमूत्र में तब्दील हो गई और हम तमाशा देखते रह गए। हम लोगों को क्या जवाब दे सकते हैं, जो हमारे पुरखे थे, जो महापुरुष थे, लेकिन एक रास्ता बता के गए थे, इसको संस्कृति सभ्यता को नदियों को हमारे जीमा सौंप के गए थे, रक्षा तो हम ही करेंगे। आज वो नदियां थी, हम सरकार के भरोसे बैठे रह गए। आज साधु संत जितने हैं, जितने धर्माचार्य है, उनका कर्तव्य था, इसलिए नदी किनारे तीर्थ बना था कि नदियों की रखवारी संत समाज करेगा, ये धर्माचार्य करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जब धर्माचार्य विमुख हो गए, साधु संत विमुख हो गए, गंदनी बहाना शुरू कर दिया, मलमूत्र डालना शुरू कर दिया, ये कैसा धर्म है, कैसे लोग हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल खड़ा है, क्या महसूस करिए हृदय से, क्या जमुना 1376 किलोमीटर की मात्र 200 किलोमीटर में बची हुई है, तो आप कह सकते हैं जो करोड़ों लोग आज संगम पर इकट्ठा हो रहे हैं, संगम बनता है गंगा और जमुना के मिलन से, दुनिया में कोई हथनी कुंड से एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। जब हथनी कुंड से एक बूंद पानी नीचे गिर नहीं रहा है, तो संगम में कहां से जमुना पहुंच गई। जब मथुरा और वृंदावन जमुना का जल नहीं आ रहा है, संगम में कैसे पहुंच गया, ये तो हमारे समझ की बाहर की चीज है। कितनी शान शक्ति इस देश को है, हजारों साल गुलामी तो सह लिया, वो तो समझ में आता है। संगठित होकर लड़े, आजादी की लड़ाई लड़े, और आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को भागा के बाहर कर दिया, लेकिन आज की लड़ाई हमारे समझ में नहीं आ रही है। आजाद हिंदुस्तान है, अपना शासन है, इसके बावजूद भी हमारे साथ और धर्म के साथ इतना बड़ा उपेक्षा, इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया जा रहा है। संविधान जब बना था, संविधान में एक बात की जिक्र की गई कि हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष रहेगा, क्यों रहेगा, उसमें बात उठी थी इस देश में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू और सिख और ईसाई रहते हैं, इसलिए सबको अपने अपने धर्म के अनुसार काम करने की छूट दी जानी चाहिए। और ये भी कहा गया कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ कोई ठेस उसकी आस्था को नहीं पहुंचाएगा, उसके नहीं करेगा, इसलिए हमें इस व्यवस्था दी गई संविधान में, कहा गया कि किसी दूसरे धर्म की आस्था को तुम चोट नहीं पहुंचा सकते हो। लेकिन जमुना में गिर रहा है, करोड़ों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम है, क्योंकि हमारी आराध्य है जमुना मैया, इस संविधान का खुलम खुला उल्लंघन है, ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। किसी दूसरे धर्म के ऊपर उनके मंदिर, उनके आराध्य जगह पर हम कोई मलमूत्र फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, तो दंगा फसाद होता है और फेंकने वाले पर राष्ट्रद्रोह करना चलता है। तो आखिर क्यों इस देश में दो प्रकार के कानून चल रहे हैं, हिंदुओं की आराध्य जमुना मैया के ऊपर में 3500 लीटर मलमूत्र गिराया जा रहा है, और गिराने वाले के ऊपर क्यों नहीं राष्ट्रीय काम करना चलाया जा रहा है, क्यों नहीं उनको जेल में बंद किया जा रहा है, ये सवाल खड़ा हमारे सामने है। आज ये मामूली लड़ाई नहीं, भारत वर्ष में धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ के हिंदू लोग क्या धर्म अपना सुरक्षित रख सकेंगे, नहीं रख सकेंगे, क्या यहाँ की अयोध्या मथुरा काशी वृंदावन गोकुल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि और अवतार जो लिए थे वो स्थान रहेगा कि नहीं रहेगा, उस जगह पे हिंदू रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आज सवाल यहाँ खड़ा है। आज सब तरह से संकट है, सारी नदियों को एक एक करके मारा जा रहा है, इसमें जमुना पहले प्रमुख है। किसी भी देश को पहचान उसके इतिहास से होती है, उसकी संस्कृति से होती है, और बहुत साजिश के तहत जब देश को खत्म
खत्म करना होता है तो पहले उसके इतिहास को मिटा दिया जाता है। पहला अटैक उसके इतिहास पर होता है। यहाँ का इतिहास अयोध्या है, यहाँ का इतिहास मथुरा है, यहाँ का इतिहास अवतार है। ये देश अवतार हो कर रहा है। अवतार के देश में इतनी बड़ी दुर्दशा, इतने बड़े हम लोग